तो अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन दुमका ने लगातार कार्रवाई करने का कमर कस लिया है। जहां पूर्व में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के खनन क्षेत्रों में सैकड़ों अवैध पत्थर खदान एवं क्रेशर संचालित थे, तो वहीं वाहनों से पत्थर चिप्स की ढुलाई भी बिना चालान के ही किया जाता था। परंतु जिला प्रशासन दुमका के लगातार छापेमारी एवं कार्रवाई से बहुत हद तक इस पर अंकुश लग चुका है। इसी क्रम में आज जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू एवं अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा कपिल देव ठाकुर ने संयुक्त रूप से दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर चिप्स लदे वाहनों की जांच की। तो जांच के क्रम में लगभग 2 दर्जन वाहनों के कागजातों एवं ढुलाई की मात्रा की जांच की गई और कागजात सही पाए जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया। प्रखंड अंचलगत अंतर्गत हमने कुल 22 वाहनों को चेक किया। जो हमारा जो प्रोसेस किया हुआ मिनरल अस्टोन प्रोडक्ट कैरी किया जाता है, उसमें जांच के दौरान पाया गया कि किसी भी गाड़ियों में अनियमितता नहीं है और सभी वाहनों में चलान है और नियमित तरीके से ये हमारे यहाँ चेक किया जा रहा है, वाहन की जांच की जा रही है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसमें जिला प्रशासन और ये प्रखंड जो हमारे लोकल प्रशासनिक लोग हैं वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। सर, कई क्रशर सीटियों ना मिलने के कारण बंद पड़े हुए हैं और स्थानीय मजदूर पलायन को मजबूर है, सर इस पे क्या कहते हैं? ये हमारे यहाँ कोल क्षेत्र कोल ब्लॉक एरिया है जमरू पानी, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है, जिसमें कि अभी कोयला का उत्खनन किया जा रहा है, तो वो अभी प्रक्रियाधीन होने के कारण वहाँ के जितने भी क्रशर्स थे वो अभी नियमित रूप से बंद कर दिया गया है, उनको दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो आने वाले समय में उस जगह उस क्षेत्र में कोयला उत्खनन किया जाना है, इसलिए अभी वहाँ क्रशरों को हटा दिया गया।